अभी हम दुकान आए हैं और अभी 9 बज रहा है आज, और ये हमारे स्वामी जी संयोग से आए हुए थे दुकान पर और इनसे मुलाकात हो गया, तो बड़ा बढ़िया हमको ये हुआ कि दुकान आए और एक संत का दर्शन हो गया। और स्वामी जी का हम फोटो आपको हमेशा डालते रहते हैं, तो आइए मिलिए स्वामी जी से और दो शब्द ये आप लोगों के लिए कुछ कहेंगे। स्वामी बोलिए। सुबह सुबह व्यक्ति के सबसे पहला कर्तव्य है जो भगवान की भक्ति भागवत को कभी छोड़े नहीं। जैसे रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज मलमूत्र त्याग करते हैं, वैसे रोज नित्य की भांति, नित्य कर्मों की भांति नित्य दिन भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवत आराधन से मनुष्य को सुख और शांति दोनों की प्राप्ति होती है। जब तक व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं करता है तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण संसार के संपूर्ण जगत के सुख जो है भगवान के चरणारविंद में निहित है। इसलिए भगवत चरण युगलई है, भगवान के जो दोनों चरण हैं उनको ध्यान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान आपके चरणों में हमारा प्रीत हो, क्योंकि और भगवान ऐसा अनुग्रह करना, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान अपने दोनों चरण कमल हमारे सर पर रखें ताकि हमारे जो है सो सदगति की प्राप्ति हो जाए। जब तक व्यक्ति ये ध्रुव है, ये सत्य है, ये आकाश की बात है, जब तक व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं करेगा तब तक जैसे उसको संसार में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख जो है संसार के विषय वस्तुओं से सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती है, सुख जो है अंतरात्मा से सुख की प्राप्ति होती है। और भगवान से संबंध हो जाने से व्यक्ति को जो है अंतरात्मा सदैव पवित्र और निर्मल रहता है और मन में किसी प्रकार की कलुषता नहीं रहती है। सदैव मन जो है सो निरोग रहता है और मन निरोग रहेगा तो कभी दुख मन में अइबे नहीं करेगा, तो सदैव प्रसन्न रहेंगे, खूब बढ़िया से भोजन होगा, खूब अच्छा से नींद आएगा और स्वास्थ्य भी सुंदर रहेगा और संसार में लौकिक भी सुख आपको प्राप्त मिलेगा, अर्थात पद प्रतिष्ठा इज्जत प्रतिष्ठा के भी जैसे वृद्धि होगी और सदैव जो है सो आप बहुमान प्राप्त करते रहेंगे। लोग आपको श्रद्धा दृष्टि से देखेंगे, श्रद्धापूर्वक नज़र से आपको जो है सो दिलोकेंगे, सब लोग जो है सो आपके श्रद्धापूर्वक आपस में आपके नाम ले लेकर के आपकी चर्चा करेंगे। इसलिए संपूर्ण सारांश यही है कि भगवान की आराधना निरंतर होती रहे, और वो भी आराधना के संबंध में बताया गया है कि भगवान के सगुण आराधना करें। जो सगुण आराधना जो है वो सबसे श्रेयकर है और सुखकर है। सगुण आराधना से गुरु जी लोग बताए हैं कि भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और सगुण आराधना से प्रत्यक्ष रूप से भगवान के सामने होकर के व्यक्ति अंजलि बांध करके साष्टांग प्रणाम कर करके धूप दीप नैवेद्यादि से स्तुति के द्वारा स्तोत्रों के द्वारा हिंदी हो चाहे संस्कृत हो स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करें, साष्टांग प्रणाम करें, दंडवत निवेदन करें, और जो और नहीं हो तो मगर दूर मंदिर हो तो घर में कम से कम छोटे से भगवान लड्डू गोपाल भगवान को घर में रखें, लड्डू गोपाल को भगवान की पूजा करें और घंटी बजाने में कभी लज्जा न करें। अपने हाथ से एक जैसे आया है प्रमाण कि अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए, इसका उदाहरण जो है भागवत में आया है। राजा अम्बरीश थे, अम्बरीश बहुत बड़े सम्राट थे, हजारों घरों में उनके सोना के सिक्का और हजारों घरों में चांदी के सिक्का गजा हुआ था, बहुत हजारों हजार उनके औभृत थे, नौकर चाकर थे। लेकिन अम्बरीश के जीवन चरित्र में आप देखेंगे भागवत में तो आया है सौवे मन कृष्ण पदारविंदयो वर्चासि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिशु स्तुति चकारा सत्कथोदय पुराण लिंगालय दर्शनो दिशो तदभिप्त गात्रा स्पर्श अंग संगमे घ्राणम के उत्पाद सरोज सरोभ है श्रीमद वस्याम रसनाथ दर्पिते। अर्थात इतने बड़े राजा होने के बाद भी पूजा के स्थान नौकर चाकर को नहीं कहते थे साफ करने के लिए, अपने से स्वयं जा करके भगवान के मंदिर को करो हरे मंदिर मार्जनादिशु कर जो है दोनों हाथों से अपने भगवान के मंदिर को साफ करते थे, पूजा के स्थान को साफ करते थे और भगवान के अर्पित किया हुआ जैसे भोग के सुस्वाद जो है सो अपने ग्रहण करते थे। भगवान के श्रीमद सरोवर सौरभ है, भगवान का या पुष्प का सुगंध उनको नासिका में मिलता था, तुलसी उनके जिह्वा पर आती थी और जो है सो भगवान के अपने पैर से
भगवान के जो है सो क्षेत्र पदार्थ सर्पण भगवान के यहाँ जाते थे, एक अनेक तीर्थों में जाते थे, अम्बरीश का उदाहरण है। इस प्रकार के अम्बरीश के उदाहरण लेकर के भागवत जी से शिक्षा लेकर के अम्बरीश के उपाख्यान है, राजा अम्बरीश के जीवन से शिक्षा लेकर के और अहंकार मद अभिमान संकोच त्याग करके अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। रामानुस्वामी जी कहे हैं, रामानुस्वामी बताए हैं इन इंद्रियों से भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए। इंद्रियों के द्वारा भगवान की आराधना उपासना जो है बड़ा ही श्रेयकर होता है और सुखकर होता है। आप भी सदैव इस बात को याद रख करके और अपने हाथ से पैर से वाणी से नाक से मुंह से जीभ से कान से भगवान की आराधना करें। भगवान की कथा सुनेंगे तो कान से आराधना हो गया, भगवान के अर्पित किया फूल जो है सो माला फिर अपने गले में लगाएंगे उसका गंध नाक में आएगा, उस नासिका से भगवान की आराधना हो गया। भगवान पे अर्पित किया गया तुलसी जब आप ग्रहण करेंगे जीभ पर जाएगा तो जीभ से भी भगवान की आराधना हो गया। भगवान के श्री विग्रह मूर्ति जो श्री विग्रह का दर्शन करेंगे तो दर्शन करने से आँख से भगवान की आराधना हो गया। अपने हाथ से भगवान के पुष्प आदि अर्पित करेंगे तो उससे अपने हाथ से आराधना हो गया। इस प्रकार से इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की आराधना और उपासना सफल होती है। ऐसा करने का आप प्रयास करेंगे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जैसा कि आप देखें स्वामी जी आराधना के विषय में बताएं तो आप उसी तरह आराधना कीजिए और प्रार्थना कीजिए भगवान का। जगत का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा, परिजनों का कल्याण होगा।